राफेल फ्रेंच भाषा में मतलब तूफान। अपने नाम के मुताबिक ही ये फाइटर जेट सचमुच तूफान लाने वाला ही है। पाकिस्तान इससे कांपता है और चीन थर्राता है। राफेल की सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्पीड। 2390 किलोमीटर प्रति घंटा। दो इंजन वाला ये फाइटर जेट अगर एक बार फ्यूल भरकर उड़ जाए तो लगातार 10 घंटे तक दुश्मन का मुकाबला कर उसके छक्के छुड़ा सकता है। ये पाकिस्तान के कराची पर हमला कर एक घंटे में और चीन के बीजिंग को तहस नहस कर 3 घंटे में वापस लौट सकता है। रडार की पकड़ में ना आना इसकी एक और खूबी है और ये गुपचुप हमला कर वापस अपने अड्डे पर चुपचाप पहुंच सकता है। ये अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। इसके साथ मेटियर मिसाइल भी है। ये परमाणु हमला करने में सक्षम है। हवा से जमीन और हवा से हवा में मार कर सकता है राफेल। इस पर लगी गन 1 मिनट में 125 राउंड फायर कर सकती है। राफेल 3700 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देती। ये 26,000 किलो वजन लेकर उड़ सकता है और महज 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। ये बेहद ही छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकता है। दूसरे फाइटर जेट के मुकाबले इसकी लंबाई चौड़ाई कम है और ये काफी हल्का है। ये किसी भी मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भांप लेता है। इसमें ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम भी है, इसलिए इसमें लिक्विड ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं रहती। इसमें RBE-2 रडार लगा है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। इस विमान में भारतीय वायुसेना की जरूरत के हिसाब से कई और फेरबदल भी किए गए हैं। इन बेशुमार खूबियों की वजह से ही भारतीय वायुसेना इस फाइटर जेट को अपने बेड़े में शुमार करने को बेकरार है। लेकिन अपने ही देश के कुछ लोगों को देखिए, न जाने क्यों इसका विरोध कर रहे हैं।